नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाही। विधानसभा में सपा विधायक ने उड़ाई नियम कानूनों की धज्जियां, विधानसभा की मर्यादा को किया तार तार। दरअसल सपा विधायक अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और मर्यादाओं को तोड़ते हुए विधायक साहब विधानसभा में ही फेसबुक लाइव करने लगे। लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे सपा विधायक को सदन से बाहर निकाल दिया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानमंडल में फेसबुक लाइव पर हंगामा हुआ। सपा विधायक सदन में योगी के सामने फेसबुक लाइव कर रहे थे। इस पर स्पीकर ने सपा विधायक अतुल प्रधान को सत्र से बाहर कर दिया। स्पीकर ने कहा कि यह सदन की मर्यादा के खिलाफ है। वहीं हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सत्र को करीब 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दूसरे दिन भी सदन में नहीं पहुंचे। दरअसल सदन में सीएम योगी के पहुंचते ही सपा विधायक हंगामा करने लगे। सत्ता और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। वहीं विपक्ष के एक विधायक ने कहा कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, अनुपूरक बजट भी अब तक पूरा नहीं किया गया, जबकि सच ये है कि पिछला बजट अभी तक खर्च नहीं हो सका है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ घोषणाएं करने से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। सपा विधायक ने मैनपुरी लोकसभा चुनाव, खतौली और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए ये हंगामा किया। वहीं वार पलटवार के दौरान सपा विधायक लालजी वर्मा अतुल प्रधान के फेसबुक लाइव करने पर बचाव करते दिखे। उन्होंने कहा कि अतुल प्रधान पहली बार सदस्य बने हैं, उनको जानकारी नहीं थी कि सदन से फेसबुक लाइव नहीं कर सकते। वहीं इसके बाद सतीश महाना ने अतुल प्रधान को केवल आज के लिए ही सदन के सत्र में 1 बजे तक शामिल नहीं होने का आदेश दिया। आपको बता दें कि योगी सरकार ने प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 2022-2023 के लिए 33,769,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था। आज दूसरे दिन सदन की कार्रवाई पर अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा होनी थी। हंगामा होने के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। हालांकि कुछ देर बाद सदन को दोबारा शुरू किया जा सका। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव विधानसभा में नहीं पहुंचे, तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें पहले से पता था कि उनके हुनहार नेता विधानसभा में सपा की सरेआम बेइज्जती करवाएंगे। लगता है इसलिए चाचा भतीजे ने अपना पल्ला झाड़ लिया और विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराई। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।